और किसी के मन में कोई दुविधा है तो बताओ। कहा कि क्रोध मिटाने का तरीका बताया, याद कैसे हो, भूलना नहीं कभी भी, तो उसके तरीका भी बताया। फिर भी और कोई प्रश्न है तो बताओ, माताओं के पास, भाइयों के पास मन में दुविधा नहीं होना चाहिए। किस रास्ते पर चलते हो, दुविधा से नहीं चलो, सीधा चलो, ये रास्ता कहाँ जा रहा है पता है मुझको, तो उधर दुविधा, आंखें बंद करके जा सकते हो। भगवान का रास्ता कभी भी दुख देने वाला नहीं होता है। हाँ, लेकिन कोई अंदर दुविधा रख के नहीं चलो, कोई भी बात है तो स्पष्ट पूछ लो, भाई जी ये कैसा, ये कैसे चला, ये कैसे करे, ये कैसे करे, तो भगवान उसको कहा, वो प्रकाश, प्रकाश है, वह अंधकार नहीं है। अभी बाबूजी ने कहा मेरा पाँव का दर्द हो रहा है, हाँ शरीर है, शरीर को तो डॉक्टर ठीक करेगा, लेकिन आत्मा के अंदर भी पाप है, दोनों है, शरीर के अंदर भी दर्द है, आत्मा के अंदर भी है, तो ज्ञान ध्यान चाहिए, आत्मा का डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ज्ञान ध्यान, डॉक्टर दवाई देता है, आत्मा के अंदर है, शरीर के अंदर भी है, शरीर की भी दवाई लेनी पड़ेगी दोनों। अगर शरीर के अंदर बीमारी नहीं, आत्मा के अंदर है, बुरे स्वप्न आते हैं, इसको मिटा दो, रोज ज्ञान ध्यान करते रहेंगे तो ये इधर बीमारी नहीं आएंगी। आपके हाथ, सबका ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए, फिर जितना करते हो उतना पाते हो, है ना, करने के ऊपर है। सुनना, सुनने से कुछ नहीं होने वाला, ये याद रखो। भगवान ने और साइंस ने कोई ऐसा चमत्कार आज तक नहीं किया खेती में, बिना बीज बोए हुए कुछ उग जाए, कुछ किया खेती में, बीज भगवान बैठा है, वो बीज नहीं डालो खेती उग जाएंगी नहीं, एक, और वो भी गेहूं का बीज बोलो तो गेहूं ही उगेगा, कि गेहूं का बीज बोलो चावल उगेगा, भगवान उगाएगा, ऐसी अंधश्रद्धा नहीं, जो बोएंगे वो मिलेगा, वो समझ लेना, है ना, समझ में आया। फिर भी आपके मन में कोई शंका हो, कोई दुविधा हो तो पूछना, ये क्यों, ये क्या, ये कैसे।